अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का अपनों को अपनों से मिलवाने का सिलसिला जारी। सेफ सिटी ने दो कमसिन बच्चे वर्षा से मिलवा दिए। 5 साला इब्राहिम और 7 साला शकील घर का रास्ता भूल गए थे। पंजाब भर से गुजश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 65,729 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,015 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 47,964 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,502 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,202 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की अहम कामयाबी। अगवा और कत्ल की वारदात में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी स्पेन से गिरफ्तार। थाना सदर भक्कर पुलिस की ड्रग डीलर और इकदामे कत्ल के मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस टीम ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज। लैया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्हीकल चोर गैंग के 4 अराकीन गिरफ्तार। 2 करोड़ मालियत की गाड़ियां भी बरामद, असल मालिकान के हवाले। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की एक और अहम कामयाबी। सेफ सिटी ने 2 कमसिन बच्चे वर्षा से मिलवा दिए। 5 साला इब्राहिम और 7 साला शकील घर का रास्ता भूल गए थे। इकबाल टाउन से 15 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पर बच्चों की गुमशुदगी की इतला दी गई। 15 हेल्पलाइन पर मिलत पार की हदूद से बच्चों के मिलने की इतला भी मौसूल हुई। सेफ सिटी टीम ने दोनों मालूमात का मुआवजना करते हुए पुलिस को मौका पर रवाना किया। थाना मिलत पार्क ने तस्दीक के बाद दोनों बच्चों को वर्षा के हवाले कर दिया। सेफ सिटी अब तक 5,000 से ज्यादा गुमशुदा अफराद को अपनों से मिलवा चुका है। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 135, पंजाब यूनिवर्सिटी 120 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 130 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहिरीन सेहत की एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पे जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की अहम कामयाबी। अगवा और कत्ल की वारदात में मतलूब खतरनाक इश्तिहारी स्पेन से गिरफ्तार। इश्तिहारी 7 तनवीर गुजरांवाला पुलिस को 1 साल से अगवा और कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम 7 तनवीर 2023 में जिब्रान नामी शहरी को अगवा फायरिंग कर कत्ल कर दिया था। मुजरिम रूपोश होकर स्पेन फरार हो गया था। इंटरपोल से मुलजिम का रेड नोटिस जारी करवाकर मुलजिम को स्पेन से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। पुलिस टीम ने एयरपोर्ट से मुलजिम को हिरासत में लिया। रवासाल बिरून ममालिक से गिरफ्तार इश्तिहारियों की मजमू तादाद 48 हो गई है। थाना सदर भक्कर पुलिस ने ड्रग डीलर और इकदामे कत्ल के मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए। SHO थाना सदर भक्कर और टीम ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करते हुए एक मंशियात फरोश इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से शराब और लहन भी बरामद कर ली गई, जबकि एक और कार्रवाई में इकदामे कत्ल के मुलजिम मोहम्मद रमजान को 24 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये थी अब तक यहां खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।